हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी क्रेविंग्स। आज मैं आप सबके लिए एक नॉनवेज की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि है इजी चिकन फ्राई। और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही खाने में भी इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए बिना किसी देरी के इजी चिकन फ्राई बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है 1 kg चिकन और इसको हमने अच्छे से पानी से धो लिया है और इसका पानी निकाल लिया है, ड्राई पीसेस हैं। और अब हम इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस, इसे हम अच्छे से निचोड़ लेते हैं इसमें। तो हमने इसमें नींबू निचोड़ दिया है, अगर बड़ा नींबू है तो आप आधा निचोड़ें और अगर छोटा है तो आप एक नींबू निचोड़ सकते हैं इसके अंदर। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, उसके साथ ही हमने डाला है 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच हमने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च। और हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही 1 चम्मच मैंने डाला है इसके अंदर चिकन मसाला। और अब हम इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे हाथों से। हाथ से मिक्स करने में होता है कि मसाले अच्छे से कोट हो जाते हैं। देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च का भी कलर काफ़ी अच्छे से आ गया है। इस तरीके से हम सारे पीसेस जो हमारे रह जाते हैं उसको हम इस तरीके से मसाले से कोट कर लेंगे। और ये देखिए हमारे सारे पीसेस हो गए हैं। अब मैं इसे ढक के 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी मैरिनेशन के लिए, और हम इसे ढक्कन लगा के फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो लगभग 2 घंटे हो गए हैं और हमारा चिकन जो है वो देखिए अच्छे से मैरिनेट हो गया है, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसको पकाने की तैयारी। तो उसके लिए हमने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, 1 बड़ी चम्मच हम डालेंगे इसमें धनिया, साबुत धनिया लिया है हमने इसमें, 3 से 4 हम डाल देंगे लौंग, 1 टुकड़ा हम डालेंगे इसमें दालचीनी का, ये हमने दालचीनी डाल दी है। और थोड़ी सी डालेंगे हम यहाँ पे तकरीबन 8-10 काली मिर्च, और इन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना है एकदम मीडियम फ्लेम पे। धीरे धीरे भूनेंगे हम इसे और लगभग 2 से 3 मिनट लग जाएंगे इसे भूनने में। तो लगभग 3 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो मसाले हैं ये देखिए इनमें से भीनी भीनी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इनको ठंडा करके हम मिक्सी में इसका एक कोर्स पाउडर रेडी कर लेंगे। तो हमने ये अपने मसाले थोड़े से ठंडे कर लिए और मिक्सी में डाल दिया है। अब हम इसका एक पाउडर रेडी कर लेंगे पीस के। तो ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल पीस के रेडी हो गया है। और अब हम एक कढ़ाई रख लेंगे, हमने कढ़ाई रख दी है। हम इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे गर्म करने के लिए। तो हमने जो हमारा तेल डाला था सरसों का तेल वो गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 2 बड़ी इलायची, हल्की सी हमने कूट ली थी, और साथ ही 2 तेज़पत्ते मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसको थोड़ा सा हम चला लेते हैं। तो तेज़पत्ता हमारा फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी चॉप्ड अनियन, मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे उसको मैंने चॉप कर लिया है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है इसके अंदर। मीडियम फ्लेम पे हम अपने प्याज को भूनेंगे, लगभग 2 से 3 मिनट लग जाएंगे हमें इसे गोल्डन ब्राउन करने में। तो अब देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट हो गए, हमारा जो प्याज है ये देखिए हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब मैं यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च मैंने डाल दी है स्लिट करके। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर तीखा खाते हैं तो ही डालें, क्योंकि 2 से 3 लाल मिर्च हमने मसाले के साथ भी पीसी थी। अब इसमें मैं 1 चम्मच डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम थोड़ा सा इसके साथ मिक्स कर लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। हल्का सा चला लेंगे, तो ये हमने चला लिया। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच देगी मिर्च, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। इसको हम मिक्स कर लेंगे,
सारे मसाले हमारे इसके अंदर मिक्स हो गए। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना मैरिनेटेड चिकन, जिसको कि हमने पहले से ही मैरिनेट करके रखा हुआ था। ये हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे यहाँ पे। इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक का ध्यान रखें, नमक हमने इसको मैरिनेशन में भी डाला था। और अब हम इसे चलाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा चिकन इस तरीके से मिक्स हो गया है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2-4 करी लीव्स, थोड़े से हमने इसको धो लिया था। थोड़े से करी लीव्स मैंने इसके अंदर डाल दिए। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ये जो मसाला जो हमने भून के पीस के रखा हुआ था, वो मसाला हमने इसके अंदर डाल दिया सारा। और दोबारा हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो हमारे सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो गए हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे 2 से 3 टमाटर। बड़े साइज़ के हैं तो आप 2 डालिए, छोटे हैं तो आप 3 डाल सकते हैं। इस तरीके से मैं इसके अंदर ये टमाटो डाल दिए मैंने बिल्कुल फाइन चॉप करके। और टमाटर में जैसे कि जो मसाले जो नमक वगैरह है वो हम पहले ही डाल चुके हैं। अब टमाटर अपना पानी छोड़ देगा, इसमें अभी हम फ़िलहाल कोई पानी ऐड नहीं कर रहे हैं। मिक्स कर देती हूँ मैं इसे। और अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए पकने दूंगी। और बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे इसे कि कहीं चिकन हमारा नीचे से लगे ना। और अगर लगता है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो 10 मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए हम चिकन को चेक कर लेते हैं। हमने इसे बीच में भी थोड़ा चलाया था चेक करने के लिए। तो ये देखिए टमाटर ने अपना कितना जूस छोड़ दिया है और चिकन भी काफ़ी मुझे लग रहा है पक गया है। तो यहाँ पे आप चाहें तो चिकन के पीसेस को चेक कर सकते हैं कि अगर पक गया है तो आप इसको बंद कर दीजिए। ये देखिए चिकन हमारा पक चुका है, आराम से कट रहा है। तो अब हम इसे बंद कर देंगे और थोड़ी 2 मिनट तक हम इसे ढक देंगे। और फिर उसके बाद हम इसे हरे धनिया से गार्निश करेंगे। तो चिकन हमारा बनके रेडी हो गया है। हम इसको ढक्कन हटा लेते और एक बार इसको हल्के से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी बढ़ा के भी कर सकते थे, लेकिन मेरे लिए इतना काफ़ी है। और अब हम इसको गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ ऊपर से, ये मैंने डाल दिया है। तो होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करने के साथ ही बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है क्रेजी क्रेविंग्स। और आप बने रहिए मेरे साथ हर वेडनेसडे एंड संडे ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।